सरबरा माँ उनका काम होता है। बिल्कुल अब वो बिल्कुल जैसे आज उनका जो बेटी की तरफ उन्होंने कहा कि बहू को झुकाए कि माफी मांगो, जी ये भी घरों में होता है, मगर इस तरह चले अभी तो कर ले कि वो बच्ची है ना समझ, अभी उसको समझ नहीं पे शौहर की पहचान नहीं है, सही मगर बात, वो आदमी शातिर आदमी दिखाया, वो अपनी मनमानी कराना चाह रहे, तो उसको बड़े तरीके से हैंडल करना है दामाद को, क्योंकि ठीक, रहते दामाद है, हम लोगों के तो यही होता है भाई दामाद सबसे ज्यादा, और बहुओं को हम लोग पीछे करते थे, कहते तो हैं कि बहू हमारी बेटी किससे ज्यादा होती है, मगर हम बहुओं को बहू समझते हैं, बेटी बिल्कुल, किससे घर कहते में हैं, अगर फिर कोई दामाद मीटिंग हो रही को है, कचहरी बेटों हो से रही है, अलग ज्यादा होके, हम लोग जी करते हैं। तो बिल्कुल यह है बिल्कुल कि उसको बड़े तरीके से लालची सा है, उसने तो लालच में सी माँ ने जो शादी की है जी उसको बड़े तरीके से बड़े उससे मतलब उसको समझा के प्यार मोहब्बत से उसको अलग कर दिया जाए, घर अलग कर दिया जाए उसका बेटी का, साहबा से ठीक, बेटी तो ससुराल में अच्छी रहेगी, और वो तो उन लोगों का मकसद ही यही था कि यहाँ पर आके एक मतलब पुरानी दुश्मनी बीज बोने का, तो वो उन्होंने किया हाँ लड़के के वालदा ने अपने बेटे दामाद, को घर में भेज के यहाँ सेटल करके जानबूझ के, नहीं बहुत मतलब हाँ, तो अच्छी, बस ये है कि मेरा ये है कि ना इसको बड़े अच्छे तरीके से, पता चाहे तो दामाद उसको छोड़ नहीं सकते, उसको बड़े अच्छे तरीके से एंड किया जाए, उसको समझा के वो अपनी गलती माने, वो आपका अदब करे, और फिर जी आखिर में बहू का नाम ऊंचा होना चाहिए कि बहू की वजह से अच्छी लड़की की वजह से पूरी फैमिली जुड़ गई, बिल्कुल, ये ताकि बिखरने हमारे नहीं जितने चाहिए, जो देखने बिखर वाले आहिस्ता लोग आहिस्ता हैं, बिखर रहे हैं, तो ये इसको समेटना किसके हाथ में है, ये बहू के, और ये आप बड़ा अच्छा काम कर रही हो, और मतलब इसमें जो है बहू का किरदार बड़ा अच्छा दिया गया है, जरा से ज्यादा गुस्सा भी है और अपनी मतलब वो मनवाना भी चाहती हूँ, मगर नहीं मानी जा रही, मगर ये है कि इसमें बहू के साथ दामाद का भी अच्छा होना चाहिए, दामाद को अच्छा बताना चाहिए, उसकी लालच खत्म करनी चाहिए, उसकी हर बात माननी नहीं चाहिए, बिल्कुल, मेरा तो ये है कि ना ये इस तरह एक फैमिली जुड़ी रहेगी, और एक बहू और एक माँ के हाथ में है पूरा घर को समेटते चलना। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद फॉर योर कॉल, बहुत अच्छे आइडियाज़ हमें हमारे कॉलर्स के इतने सारे आ रहे। अच्छा इतना ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी मैं, इतना ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, सीरियसली दिल से इतनी खुशी होती है, आँखों में ग्लेयर आ जाती है जब मैं बात करती हूँ अपने कॉलर्स को लेके, इतना साथ देने वाली। फर्स्ट डे से 31 दिसंबर मेरा पहला शो किया था मैंने, जो कि होता है साल का आखिरी दिन, और साल का आखिरी दिन अच्छा हो तो फिर आपका पूरा साल अच्छा गुजरता है, और अभी हम जिस दौरान जिस जगह खड़े, मैं आपको बताऊंगी कि इसको कहते हैं कि साल का बीच का हिस्सा, आधा साल हम पूरा गुजार चुके हैं और बाकी का आधा साल रहता है अभी, और इस पूरे आधे साल में जो है इतना मेरा साथ दिया आप लोगों ने, मेरी कॉलर्स जितनी भी हैं उन्होंने इतना प्यार, मुझे प्यार से समझाया भी, मेरी गलतियों को भी सुधारा, मुझे आगे पॉजिटिविटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डाली, मुझे लगता है कि मैं इतनी शायद अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा स्वीट और इतनी पॉजिटिव सोच शायद नहीं रखती थी, रखती थी मगर इतनी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर भरने वाले लोगों में से मेरे कॉलर्स हैं जिन्होंने मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी है, और मैं दिल करता है कि अब मैं ये सारी पॉजिटिविटी जो है उन सारे लोगों तक बांटूं जो लोग मुझे देख सकते हैं, जो मुझे सुन सकते हैं, और मैं सारे वो काम करूं जो आप लोगों के लिए हों, जैसे मैंने कल बताया था कि लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब लाइट जो है वो 8 घंटा रहा करेगी, तो इतनी मुझे खुशी हुई थी, इतनी मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि जिस डिप्रेशन से हम लोग गुजर रहे थे हमारी नींदें पूरी नहीं होती हैं, मैं उसमें अपने आप को शामिल इसलिए करूँगी कि हमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ जो बेचारे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बिजली का ज़्यादा प्रॉब्लम है, दूसरे अमीर लोग जो हैं जनरेटर चला लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बाहर 5 स्टार जाके खाना खा लेते हैं, गाड़ियों में एसीओ में ड्राइव पे निकल जाते हैं, नहीं, हर एक को प्रॉब्लम होती है, हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते गर्मी से हर एक को किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन आपको हो जाती है, डिहाइड्रेटेड बॉडी हो जाती है आपकी, आपसे काम नहीं होता, बीपी लो हो जाता है, और ऑल्सो जैसे हम लोग काम करते हैं, हम लोग सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद रात को भी हमारा लेट सोना होता है बिकॉज़ हम लोग होमवर्क रिसर्च हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इतना मुझे खुशी होती है कि मुझे लगता है मेरा तो शो बैठे बिठाए चलाते हैं आप लोग हैं, कोई मसला होता है किसी का आप लोग खुद सामने आ जाते हैं लेके, कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मेरे साथ बढ़ के मिलजुल के उसको ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे वो कभी थी नहीं, तो आप लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है सीरियसली, मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ला के खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं सिंगिंग बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ, मैं हिलजुल सकती हूँ, परफॉर्म कर सकती हूँ, मुझे कोई ये नहीं कहता ये क्या कर रही है, ऐसे क्यों हिल रही है, ऐसे क्यों गा रही है, ऐसे क्यों बोल रही है, तो मैं आप लोगों के सामने जैसी हूँ वैसी बनकर आई हूँ, और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट बड़े प्यार से किया, थैंक यू एवरीवन एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बात जो है ये कॉलर्स को थोड़ा सा लंबा मैंने टाइम दिया, मतलब कोई 5 मिनट मैंने सिर्फ अपने कॉलर्स के थैंक के लिए बोला, मेरे ख्याल से ये भी कम है, पूरी एपिसोड्स भी बोलूँ तो
कम होती है, और आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने कॉलर्स के लिए जो कुछ कर सकूँ करूँ। और अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं वो साड़ी का अनाउंस कर दूँ कि वो साड़ी किस खुशकिस्मत को मिल रही है। साड़ी किसको मिलेगी, किसको दूँ साड़ी? इतने सारे अच्छे कमेंट्स किए हमें लोगों ने, किसको दूँ? नबील, क्योंकि उसको अपनी बहन के लिए साड़ी चाहिए थी। उसकी बहन की शादी हो रही है और उसने कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल्सो उसका आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस हमने ऐसी बात बोली थी सलमान की, क्योंकि हमारी कल और आज की स्क्रिप्ट में था कि वो एयरहोस्टेस आई हैं तो उनने मुझसे क्या बात करनी, हम लोग भी तो एयरहोस्टेस थे, दोनों साथ काम करते थे, तो किसी और कैरेक्टर का नाम लेके हमने बात की। मगर ये नहीं पता था कि उस कैरेक्टर की कोई आप लोग शक्ल बना देंगे, तो मुझे नबील का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि नबील नामी कैरेक्टर जो अब पायलट हैं, अब उनको मैं ढूँढूँ कि वो कौन है, नहीं सलमान, सॉरी सलमान नामी कैरेक्टर कौन है, और मैं उनको ढूँढूँ और कैरेक्टर में एडजस्ट करूँ। देखूँ पायलट लुक है तो उसका डील डॉल भी बड़ा प्यारा हो जाए, जैसे हमारे तकी साहब बड़े प्यारे से। तो देखते हैं कि अब इस कैरेक्टर में कौन आता है। उसके लिए भी आप वोट कर सकते हैं, जो कैरेक्टर आपको पसंद हो, लाइक एहसन खान, जो जो नाम आपको याद आते हैं आप उसमें नाम लिख सकते हैं, हम उस कैरेक्टर के नाम से उसमें इधर उनको एडजस्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और नबील आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि ये 65,000 वर्ड की साड़ी रजा शाह की आपकी बहन के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए और बहुत बहुत मुबारक हो आपकी बहन को शादी की। अब वक्त हुआ चाहता है कि मैं अपने प्रोग्राम के अख्तिताम तक पहुँचूँ। इस जोड़े के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको फेसबुक में भी आप जवाब दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हमाद घर छोड़कर जाएगा या नहीं जाएगा कल के एपिसोड में, तो ये आपने मुझे फेसबुक पर भी बताना है, मैं उसके ज़रिए भी आपको ये जोड़ा दे सकती हूँ अगर कॉल नहीं मिलती, वरना कल आप कॉल कर लीजिएगा। तो देखते हैं किसकी किस्मत में होगा ये जोड़ा इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए मुझे, और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, और उनके पास बैठ के उनको हग और एक छोटी सी किस कीजिए, और बताइए कि आप उनके साथ हैं। कैसा, जीतिए और जीते रहिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।